नमस्कार जयेश, स्वागत है आप सभी का एमआर के सिविल एजुकेशन में। जैसे आज मैं आपके लिए फिर से एक हाउस प्लान के बारे में बात करेंगे। ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाया है नॉर्थ फेसिंग का। ये प्लान कहने के अगर आपको पसंद आए, लग रहा हो तो आप मुझे मेल करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बारे में कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प पूरी कर कोशिश करूँगा। 26 फुट 6 इंच बाई 65 फुट का प्लॉट है बनाइए, 26 6 बाई 65 का टोटल जो इसका एरिया होगा मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, तो 26 6 व्यूज अपना है, तो ये अपना नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट है व्यूज। ठीक है मेरे व्यूज, 1722 स्क्वायर फुट का प्लॉट है अपना ये लगभग। तो चलिए जी बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज दिया है हमने। दादा वैसे मैंने ब्रिक वर्क दिया है हमेशा की तरह, आप मेरी जो भी वीडियोस देखते हो। बाकी डिटेल्स अगर जैसे भी आपको कुछ इसमें चाहिए पसंद आए तो मुझे आप बताइएगा मेल करके, मैं आपको डिटेल देने की कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग में रूम निकला है, सबसे पहले अपना फ्रंट में निकला 10 फुट का। ये अपनी वाल है, थोड़ा आगे किया है, इसको थोड़ा पीछे किया है, इस वाल को थोड़ा आगे किया है। एलिवेशनल के पर्पज से अपने अच्छा आएगा क्योंकि ये फ्रंट में स्टेयरकेस निकल गई अपनी। यहाँ से घर में एंट्री करते हैं, ये रूम है बेडरूम, इसमें भी एंट्री करेंगे। 12 6 बाई 11 फुट का ये रूम निकल गया दोनों, और इधर भी डोर है इसका, इधर अपना स्टेयरकेस से एंट्री होगी। उसके बाद अपना आता है टॉयलेट 7 9 बाई 4 फुट का, बड़ा लंबा सारा टॉयलेट हो गया। ये अपना सॉफ्ट एरिया हो गया, वॉशिंग यूनिट भी इधर बना सकते हैं। छोटा सा डोर टाइप में दे दिया हमने, विंडो भी दे सकते हैं बाई मिस्टेक, इसको यूज कर सकते हैं जब हम अंदर जाने के लिए डोर्स वगैरह के लिए टेम्परेरी, या हम इसमें विंडो भी दे सकते हैं। तो वो इस पर हमारा जो जैसे हमारे को ठीक लगेगा वैसे ही है। ये ड्राइंग रूम हो गया 16 9 बाई 11 फुट 6 इंच का, बढ़िया सारा स्टेयर के सेंटर करके ड्राइंग रूम में आए। ड्राइंग रूम में जाने के बाद फिर हमारा ये डाइनिंग एरिया निकला है और ये चिल्ड्रन रूम निकलेगा। डाइनिंग एरिया 12 6 बाई 12 फुट का और ये चिल्ड्रन रूम 12 बाई 12 का। दो बेड लग गए सामने, टीवी कैबिनेट है, अपना कपबोर्ड वगैरह लग गई है। डाइनिंग के अंदर ही अपना पूजा रूम भी इधर से हमने कोने में निकाल दिया, और ये किचन निकल गई पीछे अपनी 8 फुट बाई 12 फुट की किचन, और पीछे इसकी जो है डोर दे दिया बैक साइड में जाने के लिए। इधर बेडरूम में 16 6 बाई 12 फुट का एक बहुत बढ़िया सारा बेडरूम निकला है, और इसका अटैच टॉयलेट 9 फुट बाई 5 फुट का। तो डियर्स ये क्या था कि अपना ये बेडरूम निकल गया, इसके डोर भी हो गया, बैक साइड का एक बड़ा सारा बेडरूम है, सामने टीवी लगा इसके अंदर, और यहाँ अपना कैबिनेट हो गया, और अटैच टॉयलेट ये इसका निकल गया। तो कितने 3 बेडरूम निकल गए, एक बेडरूम बाहर वाला निकल गया, एक बेडरूम अपना ये जो बच्चों का बेडरूम कह लीजिए ये निकल गया, और एक बेडरूम ये निकल गया। 3 बेडरूम निकल गए, ड्राइंग रूम भी निकल गया, डाइनिंग भी आ गया, और अपना किचन भी आ गया। 3 बेडरूम 3 BHK सॉफ्ट है, और 2 टॉयलेट है, एक टॉयलेट अपना अटैच है, और ये अपना कॉमन टॉयलेट निकला इधर वाला। बैक साइड में ये 15 फुट बाई 5 फुट का ये अपना ओपन एरिया हो गया बैठने के लिए यहाँ पे। ठीक है डियर्स, या इसका वॉशिंग यूनिट वगैरह भी रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह भी, सब बहुत चीज हमारी एडजस्ट हो सकती है यहाँ पे इसके अंदर। तो ये डियर्स था मेरा एक 26 फुट 6 इंच बाई 65 फुट का हाउस प्लान, कह लीजिए कि अपना 1722 स्क्वायर फुट का अपना ये प्लॉट है, और इसका ग्राउंड फ्लोर बनाया है, फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाया, सेकंड और फर्स्ट इसलिए नहीं बनाया डियर्स क्योंकि लगभग उसमें ज्यादा चेंज नहीं होते, थोड़ा बहुत चेंजेज होता है, हल्का फुल कुछ चेंज होती है, बट जो रिक्वायरमेंट आपकी है, आपको अगर ग्राउंड फ्लोर कहीं अगर साइज प्लॉट का साइज और डायरेक्शन के हिसाब से आपके फिट बैठ रहा है तो आप मुझे मेल करके बताओगे, तब भी मैं अगला प्लान बनाने की यूज करूंगा। और क्योंकि डियर्स काफी टाइम लग जाता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है प्लान बनाने और उसमें, तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, वीडियो भी अच्छी लगेगी। वीडियो लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, और जो भी मेरी अगली जो अपना नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज है उससे भी अगर आपको क्या पता, मुझे उम्मीद है कि हेल्प मिल जाए आपको, क्योंकि मैं अलग अलग साइज के प्लान और अलग अलग साइज के वो सब लेके आता हूँ। तो चलते व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। ये अपना फिर से बता देता हूँ कि अपना 26 फुट 6 इंच बाई 65 फुट का एक नॉर्थ फेसिंग का हाउस प्लान है। 3 बेडरूम निकल गए, एक ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग, 2 टॉयलेट भी निकाल दिया। नॉर्थ फेसिंग का एक ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाया है। ठीक है डियर्स, तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ डियर्स, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये देखिए साइज का कर दिया आपने।